आरजेडी के राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी हमारे साथ है। सर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, दिल्ली में तो आज शपथ लगा दी है पेट्रोल। क्या कहूँ, आप जब ये सवाल पूछती हैं तो मेरे पास कहने को आप कुछ नहीं, मैं क्या कहूँगा। ये सरकार जन विरोधी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें पता है कि नफरत का ईंधन, घृणा का ईंधन, वैमनस्यता के ईंधन से ये चुनाव जीत लेते हैं। लोकतंत्र में जब ऐसा हो जाए कि जन सरोकार की चीजें खत्म होती जाएं, लोगों को मार पड़ती जाए, फिर भी इनको वोट आते जाए, तो ये जो ताल्लुक सा खत्म हो रहा है ना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन लोगों को सोचना पड़ेगा। दवाई महंगी, तेल महंगा, देखिए हर चीज का ये कैस्केडिंग है। ऐसे आप ईंधन की बात करते हैं तो कैस्केडिंग है। कई सारी चीजें आम जनता की, आम को छोड़िए मध्यम वर्ग की हालत देखी, उनकी सेविंग्स पे असर पड़ा। आप इकोनॉमी में जब ग्रीन शूट्स की बात करते हैं, ये कौन सा ग्रीन शूट है? जाकर गरीब के थाली में जाकर देखो, ग्रीन नहीं है कुछ भी, सब्जियां ही नहीं है उसके थाली में, और थाली छोटी होती जा रही है। बावजूद इसके इनको चिंता इसलिए नहीं है, आप पूछ रही हैं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इनकी कान पे जुड़ नहीं रही। आप लोगों ने नोटिस पे नोटिस दे रखा है, हाउस डोवल जंग भी हो चुका है, कुछ दिनों में लोकसभा में भी नोटिस दे रखे हैं। क्या आपको लगता है कि डिस्कशन होगा इस मुद्दे पे, और नहीं तो फिर आगे क्या? अब जनता को ये अपने हाथ में लेना, ये पॉलिटिकल पार्टी का ही मसला नहीं रहा। जनता जब तक सड़कों पर आकर के सरकार को आगाह नहीं करेगी कि सरकार का मतलब होता है सरोकार, और अगर सरोकार से विमुख होकर के आप सरकार चला रहे हैं तो आप पांच पूंजीपतियों को कोस रहे हैं, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, और असमानता के महासागर से आपका कोई काम नहीं। तो ये थे मनोज झा जी हमसे बात करते हुए। शुक्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।